क्लास 12 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में 6 पार्ट्स हैं, तो हम हर वीडियो में दो पार्ट्स कवर करेंगे क्योंकि एक साथ उन सबको सॉल्व करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। आर एंड टी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। एस जॉइंस द फर्म, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ इज शेयर एंड टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ इज शेयर। अब यहाँ पे ऑफ क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऑफ लिखा है और ऑफ में सरेंडर लिखा है। तो हमने पढ़ा था कि ऑफ में मल्टीप्लाई और माइनस करते हैं, अगर सरेंडर होगा तो ओल्ड रेशियो में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशियो से ही माइनस करेंगे। तो हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास ओल्ड रेशियो, हमें दिया हुआ है 3:2। अब आर के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर आर 3/5 इंटू 1/4, आर ने 1/4 सरेंडर किया है तो ये आ जाएगा 3/20। अब इसे ही 3/5 से माइनस करेंगे, 3/5 माइनस 3/20, एलसीएम 20 भी ले सकते हैं, हम 20 ले लेते हैं। चलिए 12 माइनस 3, 9/20। ऐसे ही हम एस के लिए कैलकुलेट करेंगे, सॉरी टी के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर टी 2/5 इंटू, टी ने सरेंडर किया है 1/5, तो ये आ जाएगा 2/25। माइनस करेंगे 2/5 माइनस 2/25, एलसीएम 25 ले लेते हैं, 8/25। अब फिर से अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ है। अगर नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, जो माइनस किया है उसे प्लस कर देंगे तो एस का शेयर आ जाएगा। तो फॉर एस 3/20 प्लस 2/25। ईजी करने के लिए मैं 100 ले रही हूँ एलसीएम, क्योंकि दोनों में आएगा, ठीक है 75 भी हो सकता है पर वो फिर 20 में नहीं आएगा, तो 100 ही ले लेते हैं हम। तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 15 और 8, 23/100। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 45/100, 32/100 एंड 23/100। तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 45:32:23। अब ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और डिफरेंट है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर रेशियो ऑफ ए एंड बी वुड बी 2:1। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसमें हमें कुछ गिवन नहीं होता, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है। अब यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इसका मतलब ओल्ड रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। पर जब हमें फ्यूचर वाला ए और बी का रेशियो गिवन होता है तो जो फ्यूचर वाला रेशियो है वही ओल्ड रेशियो है। यहाँ हम ओल्ड रेशियो को 1:1 नहीं लेंगे, हम ओल्ड रेशियो लेंगे 2:1। सो ओल्ड रेशियो हमारा 2:1 है और सी का शेयर है 1/4। तो हमने पढ़ा था, हम पहले इसमें रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, हर रेशियो 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा 3/4। अब ए के लिए कैलकुलेट करोगे 3/4 इंटू 2/3, तो ये आ गया हमारा 2/4। बी के लिए कैलकुलेट करोगे 3/4 इंटू 1/3, तो ये शेयर आ गया 1/4। और सी का शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4, तो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1:1। तो ये थे हमारे शुरू के टू पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2। रिमेनिंग पार्ट्स हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।